Hello everyone and welcome to our channel Desi couple on the go जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे places और अभी हम लोग खड़े हैं विंडी एम्स्टर्डम में और ये है हमारा एनिवर्सरी वीकेंड और सोचा कि एनिवर्सरी वीकेंड है और कहीं अगर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो भी कुछ तो स्पेशल करना चाहिए तो इसीलिए हम लोग आ गए हैं आज एम्स्टर्डम में जहां हम लोग रहते भी हैं मगर आज हम लोग हमारी सिटी में बनेंगे टूरिस्ट और घूमेंगे एम्स्टर्डम को वंस अगेन फ्रॉम अ टूरिस्ट पर्सपेक्टिव और ये वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में और इस वीकेंड में हम दो डिफरेंट टाइप के होटल्स में स्टे करने वाले हैं और हम आप लोग दिखाएंगे कि वो दोनों प्लेसेस कैसे यूनिक हैं और अगर आप अपना प्लान करते हैं एम्स्टर्डम में घूमने का तो आप वो दोनों या उनमें से कोई एक अपने बजट के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं सो नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर एम्स्टर्डम एंड स्टे इन दिस यूनिक होटल्स लेट्स गो मैंने और सौरभ ने आपको कितने सारे डिफरेंट होटल्स और अपार्टमेंट्स दिखाए हैं बट आज जिस प्लेस पे हम लोग रुकने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक है मैं और सौरभ फर्स्ट टाइम रुकने वाले हैं इन अ यूथ हॉस्टल इन एम्स्टर्डम और ये जो हॉस्टल है ये यूनिक क्यों है क्योंकि ये है एक कैप्सूल प्लेस मतलब एक कैप्सूल के अंदर हम लोग रहने वाले हैं और ये है एक मॉडर्न टेक टूवर्ड्स यूथ हॉस्टल इस प्लेस का नाम है सिटी हब तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर ये प्लेस कैसी है और हम लोग एक कैप्सूल के अंदर कैसे रहने वाले हैं लेट्स गो एंड फाइंड आउट दो बजे हैं अभी और चेक इन होने में अभी एक घंटा है सो हम लोग बैठे हुए हैं अंदर इस हॉस्टल में और जो यहाँ का वाइब है वो इतना कूल है यूथ हॉस्टल जो है एंड वी आर आल्सो चिलिंग इन हियर चेक इन करने के लिए ये एक ऐसा मशीन लगा है एंड यू कैन चेक इन योरसेल्फ यू डोंट नीड एनीवन कोड डालना है और यू विल बी चेक्ड इन सो चॉइस है कैप्सूल में आपको नीचे की तरफ रहना है कि ऊपर की तरफ लुक एट दिस सो इट्स पॉसिबल कि आप नीचे भी सो सकते हैं और ऐसे ऊपर सो सकते हैं व्हाट शुड वी टेक सौरभ लेट्स ट्राई द अपर वन दिस वन यस नॉट दिस वन दिस वन सो आवर हब नंबर इज 7 फिनिश चेक इन दैट्स इट डन लेट्स गो सो नाउ वी आर इन यूथ हॉस्टल और जो दिख रहा है ना ये सारे कैप्सूल्स हैं और हमारा कैप्सूल नंबर है 10-7 और हमारे बाजू वाला ऑफकोर्स 8 होगा तो ये दिख रहा है आपको एक ऊपर है एक नीचे है वी आर द अपर सो लेट्स ओपन इट इस बेल से ओपन होगा वेलकम टू आर कैप्सूल होटल हॉस्टल और ये लाइट्स जो ऐसे हो रही है ना हाँ इतना सही है सो यू कैन सी मी ओनली दिस मच और सौरभ दिख रहा है क्या डिस्को लाइट यस डिस्को लेट्स पार्टी बिकॉज यू आर इन एम्स्टर्डम एंड नाउ वी आर इन यूथ हॉस्टल सो वी आर फीलिंग लाइक अ यूथ हाँ तो ये क्योंकि डिस्को लाइट्स है क्योंकि हम लोगों ने वहां सेलेक्ट किया था कि हमें डिस्को लाइट्स चाहिए तो ऐसे डिस्को लाइट्स चल रही है नाउ लेट्स गो अप सो दिस इज आवर बेड द बिग बेड और क्या ये कंफर्टेबल है यस इट इज कंफर्टेबल
और क्योंकि ये जो कैप्सूल है वो स्मार्ट कैप्सूल है, और स्मार्ट क्यों है क्योंकि ऐप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो आप अगर यहाँ आए तो आपको करना पड़ेगा एक ऐप डाउनलोड जिसका नाम है सिटी हब, और फिर यू कैन चेंज द लाइट्स, लेट्स मेक इट अगेन द डिस्को लाइट्स। नहीं, और आपको पता ही होगा मुझे और सौरभ को सनसेट कितना अच्छा लगता है, तो लेट्स मेक इट द सनसेट लाइट। देख रहे हैं आप दोनों तरफ। और अगर आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है सो यू कैन मेक इट द ग्रीन हब, द ग्रीन कैप्सूल हब। एंड नाउ इट्स टाइम टू प्ले सम सॉन्ग। आखिर ब्लूटूथ स्पीकर का कुछ यूज भी हुआ किया जाए। So let's play song. अब टाइम है वापस नीचे आने का, और नीचे आने के लिए स्टेयर्स हैं। और स्टेयर्स में अगर आप देखेंगे, ये रहा हमारा सूटकेस, हम लाए हैं एम्स्टरडेम में इस कैप्सूल में रुकने के लिए। और नेक्स्ट जो है वो भी बहुत यूनिक है, तो वहाँ रुकने के लिए भी है कुछ हमारा सामान। ये है बाथरोब्स, टॉवल्स भी मिले हैं, हैंगर्स यहाँ लगे हैं। सो यू हैव इनफ एवरीथिंग दैट यू नीड for a short stay here in Netherlands, Amsterdam. हाँ, अब दिखाते हैं आपको शार एरिया, और क्योंकि वो प्राइवेट नहीं है, वो पूरा कॉमन है, तो शार एरिया एंड टॉयलेट एरिया, लेट्स गो एंड सी कि वो कैसा है। And here you will find shower area, or so ये है shower area, which is quite clean. और यहाँ पर rituals के shampoo and shower gel, so which is a very good quality. देखिए आप, तो हॉस्टल के हिसाब से इज लुकिंग वेरी वेरी क्लीन। यहां पर आप अपने टॉवल्स रख सकते हैं। लेट्स सी द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। नॉट बैड, नॉट बैड। So this is really clean. और बाहर जाके बात करते हैं। So both shower and toilet area बहुत ही clean है, और अच्छी quality के rituals के, where is the way? Here's the way. और rituals के उन्होंने सारे product use कर रहे हैं। So it's a perfect way to spend your few days in Amsterdam by living in these capsules. अब बात करते हैं प्राइस की। तो इस सिटी हब कैप्सूल हॉस्टल का प्राइस है फॉर वन नाइट 5,000 रुपीस, और एक कपल आराम से रह सकता है। एंड इस क्लीनिनेस के लिए और कंफर्ट के लिए एंड प्रॉक्सिमिटी टू सिटी सेंटर, इट्स अ गुड डील। तो अगर एज अ कपल आप आते हैं और बजट में स्टे करना चाहते हैं, तो कैप्सूल हॉस्टल इज अ गुड चॉइस। आपने बहुत सारे डिफरेंट स्टैचूज देखे होंगे डिफरेंट सिटीज में, बट आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, आप भी बोलेंगे आर यू सीरियस, ये क्यों बताया है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट रेप्टाइल्स, और एक नहीं, और पूरे से इस एरिया में कितने सारे बनाए, एटलीस्ट 30 to 50 लग रहे हैं। इनफैक्ट 50 रेप्टाइल्स समार्ट। और ये है विंडी एम्स्टरडैम। अभी घूम रहे हैं हम एक ऐसे एले में जहाँ पे बाहर डाइनिंग हो सकती है, और दोनों तरफ रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट्स हैं, और एक्चुअली अभी अभी खुले हैं, पहले लॉकडाउन में बंद हो गए थे, अभी दो तीन दिन पहले ही सारे रेस्टोरेंट्स फिर से ओपन हो गए। मेरे पीछे आ रही है ट्रैम, रुकी हुई है क्योंकि वो स्टॉप है,
और उसी उस पर चल रही है, ये पुलिस की कार है बट नॉर्मल कार भी चल सकती है. लेट्स सी कैसे आएगी. देखिए वो उधर चली गई एंड नाउ द ट्रैम इज कमिंग. दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. जब भी कोई आता है ना नेदरलैंड्स एम्स्टरडैम तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि चलना किधर है, ट्रैम किधर जाएगी, साइकिल किधर जाएगी. सी अभी साइकिल चला रहे इसके पीछे. डिनर करने के लिए हम आए हैं मैक्सिकन रेस्टोरेंट और वो मैक्सिकन रेस्टोरेंट का नाम लिख दिया है बहुत साल पहले, वैसे यहाँ भी होगा लॉस पिलोनिस. और बहुत साल पहले हम लोग यहाँ पर आए थे, ऑलमोस्ट हो गए होंगे 4 से 5 years पहले अपने फ्रेंड्स के साथ. तब खाना बहुत अच्छा था. सो लेट्स गो इन एंड ट्राई सम मैक्सिकन फूड हियर इन एम्स्टरडैम. आ गए अंदर और मैक्सिकन रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम लोगों ने बुक नहीं किया था टेबल तो ऐसे बैठे बाहर टेबल पे, बट वाइब ऑसम एंड नाउ इट्स टाइम टू ईट सम नाचोस. ये जो मैं डाल रही हूँ ना, ये है डार्क किडनी बीन्स, काली वाली. आ गया है एंचिलादास और कैन यू सी इट, फुल सूप ही एंचिलादास है. अभी सिर्फ एक ही पोर्शन ऑर्डर किया है मैंने और सौरभ ने, उसके बाद अगर अच्छा लगा तो विल ऑर्डर वन मोर पोर्शन ऑफ इट. लेट्स डाइन इन. तो आ गए हैं बाहर और सिर्फ एक ही एंचिलादास मंगाया, क्योंकि जब लास्ट टाइम आए थे ना तब बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे खाना. इस बार कुछ खास अच्छा नहीं लगा और वो सूप ही करने के बाद वो ऐसा सौगी सौगी हो गया ना, और जो टोमेटो का उन्होंने डाला था वो बॉईल भी नहीं किया था, लाइक जस्ट टोमेटो का प्यूरी ऐसे कैसे डाल दिया. एंड इट्स सो सो विंडी. एम्स्टरडैम में हमेशा बारिश और विंड होती रहती है. बारिश ऑलरेडी शुरू हो गई है बट भूख अभी भी थोड़ी थोड़ी लग रही है. तो लेट्स सी कि किसी और जगह जाकर कुछ खाते हैं क्या. लेट्स गो एंड थोड़ा और वॉक करते हैं. ये क्या है लिखा? सो दिस इज डम्पलिंग्स, गोजो, जापनीज डम्पलिंग है. अभी आप बोलेंगे ये मोमोज है. हाँ मोमोज का भाई है पर जापनीज भाई है. मैक्सिकन डिनर हमारा डिनर पूरा नहीं हुआ था तो हम लोगों ने रास्ते में हमको मिली एक वीगन सुशी बार, वहाँ से ले लिया हम लोगों ने मोमोज. मोमोज इजी टू प्रोनाउंस, गोजो. सो दिस विल कम्प्लीट आवर डिनर. और हमने यहीं से ले लिया कॉफी. सेकेंड स्टेज ऑफ आवर डिनर, लेट्स फिनिश द डिनर नाउ. पहुंच गए हम हमारे कैप्सूल होटल में वापस एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप. थोड़ा राउंड डिनर के करने के बाद मैक्सिकन एंड जापानीज. मैक्सिकन वाज नो, जापानीज का जो डम्पलिंग था दैट वाज ऑसम. तो अगर आप किसी जापानीज रेस्टोरेंट में जाए ना तो डम्पलिंग का नाम मैंने लिख दिया है, ये वाला डम्पलिंग ऑर्डर कर सकते हैं. Good night. Good night from the capsule and the disco lights. Pata nahi kaisi effect aayi hogi aapke eyes mein, but we are going to party. Bhagya, no. Good morning. Aur ab jayenge breakfast karne ke liye. So paas hi mein hai ye breakfast club. Chalte andar aur karenge breakfast. Bhook bhi lag raha hai. Our breakfast is here. सबसे पहले बात करते हैं अच्छे से हेल्दी टोस्ट की. सो इट्स avocado टोस्ट. ऑसम दिख रहा है ना, लाइक आई एम वेटिंग कि जल्दी से इसे खा लूँ. दिस इज़ फ्रेश और ए जूस क्रोसॉन्स विथ जैम एंड ये है कैपचिनो विथ बिस्किट. तो ये है ब्रेकफास्ट और हम आए हैं द ब्रेकफास्ट क्लब में. बहुत सारे इसके ब्रांचेज हैं अलग अलग जगह, यू कैन गो देयर and even come in here agar aap ruke hain jahan hum ruke hain. Let's have breakfast. Barish ho rahi hai aur breakfast ka liya hai hum logon ne aur breakfast ka bill aaya hai 20 euros but
अब बाहर नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि प्लान ये था कि ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर थोड़ा एम्स्टरडैम को और एक्सप्लोर करेंगे, बट शायद वो हो नहीं पाएगा क्योंकि इतना विंडी है प्लस इतना बारिश हो रहा है, सो दैट्स नॉट पॉसिबल. बट इस सिटी हब होस्टल को अब चेकआउट करेंगे, इस कैप्सूल प्लेस को, और शुरू करेंगे लग्जरी ट्रिप. तो बजट यही ख़त्म होता है और लग्जरी ट्रिप शुरू होता है, और स्टार्ट करेंगे एक बहुत अच्छे प्लेस पे लंच करके. वो जगह क्या है और कहाँ लंच करने वाले हैं और फिर कहाँ रुकने वाले हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. और ये बारिश